बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नए अंदाज़ के साथ मीठा बनाने का तरीका। ये मीठा आपको इंतहाई पसंद आएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मीठा बहुत ही कम चीज़ों से बनाया जाएगा, जिसमें बादाम, कस्टर्ड पाउडर, चीनी और ब्रेड है। हमें सबसे पहले जो चाहिए ये ब्रेड है और दूध मैंने उबालने के लिए रख दिया है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये एक गिलास लेंगे जो घर में आम इस्तेमाल वाला गिलास है, इससे हम ये ब्रेड के जो स्लाइस है काट लेंगे। इससे हम ब्रेड क्रम बनाएंगे, ये हमारे ज़ाया नहीं होंगे। ये जो ब्रेड हमने लिया है ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होनी चाहिए। अगर फ्रेश नहीं होगी तो फिर हमारी जो रेसिपी है ये सही नहीं बनेगी। ये तमाम पीस हम मैंने काट लिए है। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ के जी दूध है, दूध को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, एक दो तीन चार चम्मच चीनी। ये चार चम्मच चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मीठा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर चीनी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मिश्री जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, दो से तीन चम्मच। इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर के दो बार भर के हम चम्मच ऐड करेंगे। ये कोई दूध वगैरह मैंने नहीं लिया, ये सिर्फ पानी है, पानी के अंदर मैंने इसे हल किया है। इसे उस वक्त तक हल करता है ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये दूध को दोबारा उबाल आ चुका है। जैसे मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की थी तो मैंने चम्मच से हलाया था तो उबाल आना बंद हो गया था। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर के दो चम्मच जो मैंने पानी के अंदर हल किए हैं वो डाल देंगे और चम्मच बराबर चलाते रहेंगे। अब ये हमारा एक पलक नुमा तैयार होगा। ये जो कस्टर्ड है एक पलक पलक की शक्ल का होगा, जैसे हमने मैंगो का पल्प इसके अंदर ऐड किया है। इसे दो से तीन मिनट इसी तरह पकाना है, ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ये दो मिनट हो गए हैं पकते हुए, अब हम फ्लेम को बंद करते हैं। ये गरम गरम कस्टर्ड, क्योंकि स्लाइस इसलिए मैंने पहले काट के रख लिए थे, थोड़ा सा हम बाउल के अंदर ऐड करेंगे, इसके ऊपर ये पीस रखेंगे स्लाइस और उसके ऊपर फिर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। अगर कस्टर्ड हमारा ठंडा होगा तो फिर इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब नहीं होगा। फिर हम इसके ऊपर ये कटे हुए बादाम थोड़े से ऐड करेंगे। इसी तरह अगला स्लाइस भी हम इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह तमाम स्लाइस के हम तह लगाएंगे। इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि ये जो ब्रेड है ये हमारे ताज़ा होने चाहिए और ये जो हमारा कस्टर्ड है ये गर्म होना चाहिए। ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए तो ये आप बहुत जल्दी बनाकर आप दे सकते हैं। मैंने ये स्लाइस थोड़े से बड़े काटे हैं, अगर मेहमान आ जाएं तो आप स्लाइस छोटे भी काट सकते हैं, किसी गिलासी की मदद से, किसी ढक्कन की मदद से, जो आप शेप देना चाहते हैं वो काट सकते हैं।
इसे मिठाई भी कह सकते हैं, केक कह सकते हैं, जो चाहे आप इसको अपना नाम दे सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बादाम से गार्निश करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।